नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 50 करोड़ से अधिक खातों का फेसबुक डेटा हैकरों की वेबसाइट पर ऑनलाइन। सोशल मीडिया कंपनी ने 2018 में फ़ोन नंबर के जरिए यूजर्स के खातों को खोजने की सुविधा इस खुलासे के बाद बंद कर दी थी कि जानकारी। राजनीतिक कंपनी कैम्ब्रिजन एनालिटिका ने 8,70,00,000 फेसबुक यूजर्स की जानकारी उनकी जानकारी या सहमति के बिना प्राप्त कर ली। ये सूचना कई साल पुरानी प्रतीत होती है, लेकिन ये फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया साइट द्वारा एकत्र की जाने वाली विस्तृत जानकारी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है। डेटा उपलब्ध होने की जानकारी बिजनेस इनसाइडर वेबसाइट ने दी। इस वेबसाइट के अनुसार 106 देशों के लोगों के फ़ोन नंबर, फेसबुक आईडी, पूरे नाम, स्थान, जन्मस्थिति और ईमेल पते ऑनलाइन उपलब्ध है। लोगों की जानकारी की सुरक्षा को लेकर फेसबुक पर कई साल से सवाल उठते रहे हैं। सोशल मीडिया अपनी कंपनी ने 2018 में फ़ोन नंबर के जरिए यूजर्स के खातों को खोजने की सुविधा इस खुलासे के बाद बंद कर दी थी, क्योंकि राजनीतिक कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 8,70,00,000 फेसबुक यूजर्स की जानकारी उनकी जानकारी या सहमति के बिना प्राप्त कर ली। यूक्रेन के एक सुरक्षा अनुसंधानकर्ता ने दिसंबर 2019 में बताया था कि 26,70,00,000 फेसबुक यूजर्स की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। अभी ये अस्पष्ट है कि बिजनेस इंसाइडर ने जिस डेटा के उपलब्ध होने की जानकारी दी है वह दिसंबर 2019 में मिले डेटा के संबंधित है या नहीं। फेसबुक ने बयान में कहा है कि ये पुराना डेटा है जिसकी जानकारी 2019 में दी गई थी। हमने इस समस्या को अगस्त 2019 में ही दूर कर लिया था। सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के दुरुपयोग को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस पर नई गाइडलाइंस जारी की है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसके दुरुपयोग की रोकना जरूरी है। आने वाले 3 महीने में नई गाइडलाइंस लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का हिस्सा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर अपत्यजनक पोस्ट को मंजूरी नहीं दिया जाएगा। सोशल मीडिया कंपनियों को एक ग्रीवांस रिड्रेशन सिस्टम बनाना होगा, उस ऑफिसर का नाम बताना होगा और शिकायत का निवारण 15 दिन में कराना होगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अगर कोई अपत्यजनक कंटेंट है तो उनकी पहली बार भारत में किसी ने जनरेट किया उसको बताना होगा, नियमों के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। 24 घंटे के अंदर इस पोस्ट को हटाना होगा। अगर कोई ट्वीट हटाया जा रहा है तो उसे बताना होगा कि उसका कंटेंट क्यों हटाया जा रहा है।